जालंधर के शास्त्री मार्केट के पास सहरा फील्ड नाम की खेती बाड़ी का सामान बेचने वाले दुकान पर दो बाइक सवार नौजवान पहुंचे और अंदर जमकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मौके पर दो भाई रिंकू और बब्बू मौजूद थे, जिनमें से रिंकू की मौत हो गई। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। जालंधर का शास्त्री मार्केट इलाका आज शाम 6:30 बजे के करीब गोलियों की आवाजों से दहल उठा। सहरा फील्ड नाम की खेती के औजार बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक की दुकान पर 6 के करीब नौजवान आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दुकान पर मौजूद दोनों भाइयों को गोलियों और तेज हथियारों से घायल कर दिया। रिंकू की हॉस्पिटल में 4 गोलियों से मौत हो गई, जो कि पॉइंट ब्लैक रेंज से चलाई गई थी। जालंधर के डीसीपी इन्वेस्टिगेशन गुरमीत सिंह के अनुसार करीब 6:30 बजे दो नौजवानों ने आकर 32 बोर के पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी और भाग गए। उनमें से 2 के पास पिस्तौल और बाकी के पास तेज हथियार थे। 2 लोग घायल हुए, जिनमें से 1 की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि वे जांच कर रहे हैं, उन्हें गोपी बाजपा नाम के युवक पर शक है, जिसके साथ इनकी रंजिश चल रही थी। शहर में इस गोलीकांड से सनसनी फैली हुई है और पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल टीएस शेरगिल ने आज जालंधर के जिले के अभिभावकों के साथ मीटिंग की। वह पिछले 1 साल के दौरान जिले में जीओजी के काम की समीक्षा करने के लिए यहां आए थे। उन्होंने जीओजी के तहत उनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर संतोष व्यक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल टीएस शेरगिल ने कहा कि जीओजी पंजाब सरकार की आंखें और कान है और इस नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा आम आदमी के मुद्दों को सुना जा रहा था। जीओजी ने नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों और ड्रग्स को बेचने वाले लोगों की पहचान करने में काफी मदद की है। उधर उन्होंने कहा कि सरकार को 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो इस बजट में पेश होने की पूरी आशा है। जालंधर के केएमवी संस्कृत स्कूल के टीचर की कथित प्रताड़ना के चलते 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने जान दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। छात्रा ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। पुलिस ने इस सुसाइड नोट को अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि केएमवी संस्कृत स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा तनु मेहता को एक स्कूल टीचर प्रताड़ित कर रहा था, जिसके चलते वह इतने तनाव में आ गई कि बुधवार तड़के उसने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों को सुबह इस बात की जानकारी हुई जब उसका शव लटका हुआ मिला। यह घटना मोहल्ला दौलतपुरी में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने सुसाइड नोट में किसी नरेश कपूर सर द्वारा तंग किए जाने की बात लिखी है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग और होशियारपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। काउंटर इंटेलिजेंस और होशियारपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जसप्रीत सिंह उर्फ चन्ना होशियारपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 अवैध पिस्तौल, 33 जिंदा कारतूस और 755 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। वही पुलिस अब चन्ना से पूछताछ कर उसकी गैंग के बाकी साथियों को पकड़ने की तैयारी कर रही है। एआईजी हरकमलप्रीत सिंह का कहना है कि इस मामले की बहुत संजीदगी से जांच की जा रही है, क्योंकि गैंगस्टर चन्ना होशियारपुर के जरिए वे उसके गिरोह तक पहुंच सकते हैं। गैंगस्टर चन्ना होशियारपुर या वही गैंगस्टर है जिसने मशहूर गैंगस्टर बिन्नी गुज्जर के घर गोलियां चलाई थी, जिसमें बिन्नी गुज्जर के परिजन बाल बाल बचे थे। काउंटर इंटेलिजेंस के गिरफ्त में दिख रहा ये आरोपी पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, जिस पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसे काउंटर इंटेलिजेंस और होशियारपुर पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन के तहत होशियारपुर के भारत नगर एरिया से गिरफ्तार किया है। दरअसल चन्ना होशियारपुर से अपने घर जा रहा था, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही दबोच लिया। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के एआईजी हरकमलप्रीत सिंह कक द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों के खुलासे किए गए। एआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गैंगस्टर चन्ना होशियारपुर पिछले 10 वर्षों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस पर कई संगीन धाराओं के तहत मामले कई जगहों पर दर्ज हैं।
चन्ना होशियारपुर पहले पंजाब के मशहूर गैंगस्टर लखा के करीबी रहा है और फिरोजपुर जेल में लखा की मौत होने के बाद गैंग का मुखिया बन गया था। 2016 में बेल पर जेल से आने के बाद वो भाग गया और पंजाब के अलग अलग जगहों और पंजाब से बाहर कई जगहों पर छुपकर रहने लगा। कल वो कार में अपने घर परिवार से मिलने आ रहा था, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया। AIG ने कहा कि चन्ना की गाड़ी में से उन्हें 2 अवैध पिस्तौल, 33 जिंदा कारतूस और 755 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है। फिलहाल आरोपी चन्ना पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल पूर्व प्रधानमंत्री को देश की मजबूती को खोखला करने वाली बात कहने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धनसोत पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। साधु सिंह धनसोत ने अपने शब्दों से किनारा करते हुए ये कहा कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो आप जैसे पत्रकारों ने लिखा है। मैंने तो कल प्रधानमंत्री मोदी को देश को खोखला करने की बात कही थी। चाहे कैबिनेट मंत्री साहब अब कल बोले हुए अपने शब्दों से पीछे हट गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा पत्रकारों को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया।